दमोह जिले की नोहटा पुलिस ने सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात्रि में गोवंश से भरे ट्रक को गो तस्करों से मुक्त करवाया। ट्रक चालक ने पुलिस को आता देख ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गए। नोहटा थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि सोमवार की देर रात्रि करीब 2 बजे के दौरान कलुआ मोसीपुरा रोड से पेट्रोलिंग करते समय एक ट्रक आते हुए दिखाई दिया, जिसे रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन ट्रक नहीं रुका और मौके से भाग निकला। जिसका पीछा करते ट्रक के पास पहुंचे तो देखा कि गो तस्कर ट्रक को 17 मील और नोटा के बीच ट्रक छोड़कर फरार हो गए हैं। ट्रक में 56 नग गोवंश ठूंस ठूंस कर गाय व बैल भरे हुए थे, जिसे गो तस्करों से मुक्त कराकर और 3 मवेशियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे नोहटा समीप मोसीपुरा गौशाला में छोड़ दिया गया है। पुलिस ने गोवंश से भरे ट्रक को जब्त कर अज्ञात लोगों के खिलाफ गो तस्करी का मामला दर्ज किया। मामले में गोवंश से भरा ट्रक कहां जा रहा था यह अभी पता नहीं चल पाया है। जानकारी के अनुसार ट्रक क्रमांक MP09HH1776 इंदौर में किसी राजा खान का बताया जा रहा है, जिससे पूछताछ के दौरान आरोपियों की तलाश जारी है। टीम भारती न्यूज। देर रात में मुखबिर द्वारा खबर मिली थी, कुलगा रोड से 17 मील तरफ एक LPT ट्रक आ रहा है जिसमें मवेशी भरे हैं। जिसके सूचना की तस्दीक करने के लिए 17 मील पे ट्रक को पकड़ने का प्रयास किया। ट्रक चालक ने काफ़ी तेज़ी से ट्रक निकालते हुए दमो रोड तरफ ले गया है, जिसका पीछा किया। पीछा करने पर ट्रक चालक ट्रक को रोक कर सुनसान इलाके में भाग गया, जिसमें देखा तो डबल स्टोरी में मवेशी गौवंश भरे हुए थे, जिनको एक एक उतार के जब जिनको गिना गया तो कुल 53 नग मवेशी उसमें से पाए गए, जिनकी काफ़ी ख़राब हालत थी। जो गौशाला भेज के ट्रक के चालक व उसके साथी पे पशु क्रूरता व अन्य अधिनियम के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया व आरोपियों की तलाश की जा रही है। Subscribe now to most exciting channel ever.